हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मीठे से, इसे गुड़ पारे या फिर यूपी बिहार में इसे लट्ठों के नाम से जाना जाता है। तो बस आज हम वही बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बाउल में लिया है 2 कप बेसन। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बहुत ही अच्छे गुड़ पारे बनते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के हिसाब से रिफाइंड ऑयल, ये मोइन के लिए है। और आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। और इसको पूरे बेसन में अच्छे से मलेंगे। तो यहाँ पे ये इसको मल लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर, इसको भी पूरे बेसन में मिक्स कर देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक मीडियम डो तैयार करेंगे। और इसका आटा हमको बहुत ही अच्छे से मसल के बहुत ही अच्छे से लगाना है, ताकि जो है ये जो गुड़ पारे हैं वो अंदर से थोड़े सॉफ्ट बने और ऊपर से क्रिस्प। तो यहाँ पे इसका डो रेडी कर लिया है मैंने, तो इसे 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे हम। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब एक बार फिर से इस डो को हम अच्छे से मल लेंगे। और मलने के बाद हम इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसे हमें रोटियों की तरह ही बेलना है। यहाँ पे आप चाहे तो मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मशीन है वो बारीक सेव वाली है, और जो गुड़ पारे हैं उनका जो है सेव मोटा होता है, तो इसलिए मैं इसे हाथों से ही बना रही हूँ। तो इसको हम बेल लेंगे, और थोड़ा मोटा बेलना है हमको, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। तो बेल लिया है मैंने, और इससे हम किनारे से जो इसका रफ पार्ट है उसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसका आटा जो है वो दूसरी लोई में इस्तेमाल हो जाएगा। और इसको हम इस तरह चाकू से काट लेंगे, और काटने के बाद हाथों से थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, क्योंकि जो गुड़ पारे हैं उनका शेप जो है वो ऐसा ही होता है, ये देखिए। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से मैंने सारे सेव को रेडी कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसको तलते हैं। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने पहले से ही चढ़ा के रखा था, जो कि अच्छा गर्म हो गया है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे हम, और तब हम इसके अंदर सारे सेव को डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन सब को डाल दिया है इसमें, और 1 मिनट बाद हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गए हैं और फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। और अब हम बिल्कुल चलाते हुए इसको अच्छे से उलट पलट के तलेंगे। तो यहाँ पे लो टू मीडियम पे ही हमें इसे तलना है, ताकि ये जो सेव है वो अच्छा क्रिस्प हो। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सेव कितने अच्छे लग रहे हैं देख के ही, और ये बहुत ही अच्छे क्रिस्प हुए हैं, और इनका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ये देखिए, ये पूरी तरह से रेडी हो गया है बनके, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इन सारे सेव को निकाल लेंगे, और बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम सारे सेव को तलेंगे। तो चलिए अब हम गुड़ पारे के लिए गुड़ वाली चाशनी को तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 200 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ये गुड़ होगा, और बेसन मेरा था 300 ग्राम, तो इस हिसाब से मेजरमेंट रखा है मैंने। और क्योंकि आप मीठा बना रहे हैं तो मीठा इसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अब इसको गुड़ को तोड़ के मैं इस बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। तो ये देखिए मैंने गुड़ को डाल दिया है इसके अंदर, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये लगभग खाने वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच पानी होगा। और इसको लगातार चलाते हुए हम तार वाली चाशनी बनने तक पकाएंगे। तो हमें तार वाली चाशनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका गाँज होने लगा है, तो थोड़ा सा इसको चेक करते हैं हम, ये देखिए। तो इसका तार बनने लगा है, तो बस यहाँ पे चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसी स्टेज पे यहाँ पे आप इसके अंदर सौंफ ज़रूर ऐड करिए, अगर आपको मार्केट वाला फ्लेवर चाहिए तो सौंफ ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे अब ये चाशनी रेडी हो गई है, तो अब हम इसके अंदर सेव को ऐड करेंगे, ये देखिए। और इसको बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे उलट पलट के अच्छे से सेव को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, बंद नहीं किया है, क्योंकि गुड़ तुरंत से जम जाएगी इस वजह से। तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब हम गैस को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, और बंद करने के बाद इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और देखिए ये आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है ये। तो बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइए, ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।